गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम दो बड़ी भर्तियों के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको तमाम तरह की वैकेंसीज मिलेंगी और तमाम तरह की जो एलिजिबिलिटी आप रखते हैं, आई एम श्योर वीडियो के एंड होते होते कहीं ना कहीं आपकी जो एलिजिबिलिटी आपके पास है उसी तरह की जॉब आपको जरूर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 78% जो हमारे दोस्त हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इतनी अच्छी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगी, तो नोटिफिकेशन ऑल के बेल को जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहली जॉब के लिए। तो यहां पर जो पहली जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट 31/62 राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड में। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कौन कौन से जॉब यहां पर निकली हुई है। चलिए बात कर लेते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में भी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लीड कंसल्टेंट जीआईएस की जॉब है, एक नंबर की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। अगला जो जॉब है जीएस प्लानर का, उसमें भी एक नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। उसके बाद एम यानी कि मास्टर आपके पास इसमें होना चाहिए। अगली जो जॉब है जीआईएस की, यहाँ पर सारी जॉब हैं इंजीनियर की है, तो यहाँ पर एमटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास, ठीक है। उसके अलावा जीआईएस टेक्निकल स्पेशलिस्ट विथ जीआईएस सर्वर मैनेजमेंट स्किल्स विथ आईटी एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, अगर आप एमसी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी इन रिमोट सेंसिंग में अगर आपने जो है करके रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे द अपॉइंटमेंट, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप एक तरह से बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैंने पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दिया है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अलावा मैंने ये अपने इंस्टा के स्टोरीज में भी पोस्ट कर दिया है वीडियो बनाने से पहले, तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। बाकी इसमें देखें अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम एंड डिटेल फ्रॉम टीओआर, जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है udd.uk.gov.in से आप इसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको फॉर्म को भर के जो है आपको यहाँ पर इनके जो है पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर आपको इसको करना है, किस पे और सबसे ऊपर नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जो लास्ट डेट है 27th of June है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बाकी डिटेल के लिए आप जो है इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो अगली जो जॉब है वो टीचिंग से रिलेटेड है। कहां पे है, राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन हरिद्वार में। तो यहां पर कौन कौन सी भर्तियां हैं चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। यहां पर प्रिंसिपल की एक पोस्ट निकली है, अनारक्षित यानी कि रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन आप यहां पर सेम देख सकते हैं, जो न्यूनतम आय है वो 30 साल यहां पर होनी चाहिए। उसी तरह से लेक्चरर की यहां पर देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट निकली हुई है, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, गणित के लिए, कला के लिए। उसी तरह से आप देख सकते हैं एलटी सहायक के लिए भी आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, बयान, तमाम तरह की यहां पर अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं। तो एलटी के हिसाब से क्वालिफिकेशन भी यहां पर आप देख सकते हैं, पूरा यहां पर इन्होंने डिटेल दे के रखा है। और एलटी के लिए जो और लेक्चरर के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए आप देख सकते हैं 21 ईयर, और जो मैक्सिमम होनी चाहिए 42 ईयर होनी चाहिए। जो और रिलेटेड और कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास जो है यूजी पीजी बीएड प्लस यूटेट जो भी इसमें एलिजिबिलिटी है वो आपको यहां पर क्वालिफाई होना चाहिए। तो पूरा आप इसको डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ऑफलाइन मिल जाएगा 300 की, आपको डीडी बनानी है स्कूल के नाम से। बाकी यहां पर सारी डिटेल यहां पर आपको यहां पर देख रखी है, ऑफलाइन फॉर्म है इसको भरना है। और प्रिंसिपल के लिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस लेटर है जो आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है, और इसी तरह से आपको यहां पर हस्ताक्षराइट करना है जहां से आपने एक्सपीरियंस लेके रखा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें डिटेल में अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। आई होप सो, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बताया था कि वीडियो के एंड होते होते कहीं ना कहीं आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार जो है जॉब अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मैंने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दिया, तो वहां जाके आप इसको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो ठोक देना लाइक के बटन को, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन स्टे नंबर आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।